मुझे बुलाता तो मैं जरूर आता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ना मेरा किसी सियासत से ताल्लुक है, ना मेरा कोई शौक है। मेरा तो सिर्फ एक ही सियासत है, एक ही शौक है, जो अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जहाँ पर भी हो वहाँ पर मुझे वो खुद बुलाते हैं। और मैं बहुत समझता हूँ कि ये जो बुज़ुर्ग होते हैं, ये जो आलिया कराम होते हैं, जितने खालिद साहब हैं, ये वो हस्तियाँ हैं, ये वो लोग हैं, ये वो सरमाया है, ये वो नूर मोहम्मद हैं कि जिनकी वजह से हम अल्लाह की ज़ात के करीब होते हैं। सरकार मदीने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं, और इन्हीं बुज़ुर्गों के और इन्हीं औलिया इकराम और इन्हीं लोगों के सदके हमारा मुल्क पाकिस्तान, हमारे सियासतदान, कोई गवर्नर है, कोई वज़ीर आला है, तो इन्हीं की दुआओं के सदके हैं, इन्हीं की दुआओं के सदके ये मुल्क चल रहा है। तो मैं इसलिए, मेरा ये बहुत पक्का मुसलमान ईमान है इस हवाले से, और इन्हीं के सदके, इन्हीं औलिया इकराम के सदके, बुज़ुर्ग दीन के सदके, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के सदके, इमाम हसन हुसैन के सदके, इस मुल्क, इस पाकिस्तान और इस आस्थान पर अल्लाह ताला रहमत रखे और भाई साहब को लंबी सेहत याब जिंदगी अता फरमाए। कुछ अशआर पेश करूँगा। बहुत यहाँ आकर किसी भी अल्लाह की महफिल जहाँ पर सरकार का जिक्र खैर हो, वहाँ पर जाकर एक दिल को तस्कीन मिलती है, रूह को सुकून मिलता है। और मैं पिछले दिनों एक जो सूफी अनवर साहब नहीं थे महफिल में, बुलाया गया, जिक्र करूँगा कि वहाँ पर मैंने एक बात कही। मैंने कहा, मुझे एक पैगाम मिला कि सूफी साहब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े लाडले हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर वो लाडले हैं तो उनके पीर और मुर्शिद हदिया नाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे इस पर काम में पेश करे। सल्लल्लाहु अलैहि
मेरा ईमान है कि जिस महफिल में सरकार का जिक्र किया जाए और सरकार के लिए महफिल लगाई जाए तो सरकार उस महफिल को खुद तशरीफ लाए। तुम्हारे तेरी वहाँ तुम्हारे